कोई बात नहीं मायरा, आप ये गिटार इसे दे दो। ये था नील, उम्र 27 साल, पहनावा फॉर्मल पैंट शर्ट और टाई, नीटली बांधे हुए बाल और चेहरा सॉफ्ट। नील 8 साल की मायरा के साथ उसकी पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग अटेंड करने आया हुआ था। कम ऑन मायरा, प्लीज गिव हिम द गिटार। ऐसे कैसे दे दूं? हार्दिक, खबरदार जो तूने गिटार लिया तो। ये थी सना, उम्र 26 साल, पहनावा छोटी कुर्ती और जीन्स, एक सॉफ्ट पोनीटेल में बांधे हुए बाल और चेहरे पे गुस्सा। सना भी 7 साल के हार्दिक के साथ पीटीएम अटेंड करने आई थी और फिलहाल एक हाथ कमर पर रखे नील को घूर रही थी। अरे लेने दीजिए, लड़का रो रहा है। तो लड़के रो नहीं सकते? मैंने ऐसा कब कहा? तो क्या कहना चाह रहे हो तुम कि रोने वाले लड़के वीक होते हैं? Are you making fun of my brave हार्दिक? बात कहीं और ही जा रही है। Calm down first. गिटार। उसको अगर गिटार चाहिए तो इसे जब जो चाहिए दे दे, हर जिद पूरी कर दे। ऐसे होती है राइट पेरेंटिंग? और हार्दिक कहाँ ना गिटार से दूर रहो। पेरेंटिंग? हाँ, आपको मालूम है पेरेंटिंग का फर्स्ट रूल है गुड लिसनिंग, जो शायद आपको आता ही नहीं। सिंपल सी बात है, मायरा के पास घर में गिटार है, शी कैन ऑलवेज प्ले इट एट होम, तो यहाँ अगर एक बच्चे को गिटार दे देगी तो इट्स नो बिग डील। वाओ, यू आर जजिंग मी नाउ। हाँ, एंड कैन आई आस्क मायरा क्यों देगी अपना गिटार? सिर्फ इसलिए कि वो लड़की है तो सैक्रिफाइस करे। म्यूजिक रूम में वो पहले आई, पहले उसने गिटार उठाया तो पहले वो ही प्ले करेगी। बट शी ऑल्सो नीड्स टू लर्न गुड मैनर्स। उसने गिटार के साथ खेल लिया है और वैसे भी ये स्कूल की प्रॉपर्टी है, तो अब उसे ये हार्दिक को देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्यों मायरा, कम ऑन, बी अ गुड गर्ल, दे दो उसे गिटार। सना ने झट से मायरा को अपनी तरफ खींचा। मायरा, तुम गिटार बिल्कुल नहीं दोगी, ओके? एंड हार्दिक, कैन यू प्लीज स्टॉप क्राइंग? हर चीज के लिए जिद करना अच्छी बात नहीं है। अब नील ने हार्दिक को अपनी ओर खींचा और अपने रुमाल से उसके आंसू पोंछे। कोई बात नहीं हार्दिक, मैं आपको गिटार सिखाऊंगा। मायरा, गिटार मुझे दो। ओ हेलो, किसी ने तुमसे हेल्प मांगी या शो ऑफ कर रहे हो? लगता है कॉलेज में लड़कियों को ऐसे ही इंप्रेस करते थे। उसका हैंगओवर गया नहीं है अभी तक। और लगता है आपका कॉलेज का बचपना अभी तक नहीं गया। सब लड़कों को एक सा समझती हैं और वो भी गलत। मायरा गिटार दो। हाँ हार्दिक, देखो ऐसे। लेकिन मैं गिटार। नील ने मायरा को इग्नोर करके उससे गिटार लिया और हार्दिक को सिखाने लगा। You're such a stubborn man. हार्दिक, तुम साइड में जाओ और डूड, ये गिटार इधर लाओ। क्या कर रही हैं आप? गिटार के स्ट्रिंग्स टूट जाएंगे। तो छोड़ दो ना। आप छोड़ो इसे। तुम छोड़ो। पहले आप बात को समझो। ना मैं लड़कों को वीक समझता हूँ, ना लड़कों पर पिटी कर रहा हूँ, और ना ही लड़कियों को अननेसेसरली सैक्रिफाइस करने के लिए कह रहा हूँ। इनफैक्ट मेरे हिसाब से दोनों इक्वल हैं। तो मैं भी तो यही कह रही हूँ, पर तुम गिटार ही नहीं छोड़ रहे हो। लो छोड़ दिया। आउच। क्या हुआ, लग गई क्या आपको? माय नेल्स। मायरा एक सेकेंड, ये गिटार लो और हार्दिक को वहां जाके सिखाओ। नो फाइटिंग नाउ। आपका हाथ दिखाइए। जस्ट लीव इट, टूट गया नेल तुम्हारी स्टूपिड सी आर्गुमेंट में। मैंने? ओके। नील ने सना का हाथ पकड़ लिया। सना ने अपना हाथ छोड़ाना चाहा, लेकिन नील की पकड़ स्ट्रॉन्ग थी। उसने ध्यान से नाखून देखा। इट्स नथिंग टू वरी, बस इस कॉर्नर से काटना पड़ेगा। एक मिनट। हाँ? वेट, क्या कर रही हो? सना हैरानी से नील को देख रही थी। नील ने अपने स्लिंग बैग में से एक छोटे से पाउच से नेल कटर निकाला। उसके पाउच में कुछ हेयर पिंस, सेफ्टी पिंस, हेयर क्लिप्स, बैंडेड वगैरह भी थी। तुम नेल कटर लेके घूमते हो और ये सब लड़कियों का सामान? मायरा के लिए रखना पड़ता है। ओके, बी स्टिल नाउ। हाय दी, ऐसे प्ले करो। ओके, जस्ट गिव मी द कटर, मैं कर लूंगी। ये यहां से काट देंगे तो स्मूथ हो जाएगा। नील और सना एक दूसरे के बहुत करीब खड़े हुए थे। नील ने उसका नाखून काटा और उसकी ओर देखने लगा। हल्की हवा चल रही थी और सना के बालों की एक लट उसके चेहरे पर लहरा रही थी। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। लो हो गया। सना ने अपना नेल चेक किया। नील ने उसे बहुत अच्छी तरीके से काटा था। थैंक्स। चलो मायरा, पीटीएम शुरू हो रहा होगा। एक मिनट चाचू। चाचू, तुम मायरा के डैड? नहीं, चाचा हूं। उसके पेरेंट्स के बिहाफ पर पीटीएम अटेंड करने आया हूं। नो मायरा, जल्दी चलो, मुझे ऑफिस भी जाना है। ओ अच्छा, हार्दिक हम भी चले। नील ने मायरा का हाथ पकड़ा और रूम से निकलने लगा। माची, प्ले वन मिनट मोर।
ये सुनकर नील चलते चलते रुक गया और पलटा। अच्छा, तो आप भी इसकी मासी हैं? या, इसकी मम्मी पापा आज काम में बहुत बिजी थे तो मैं ही आ गई। नील ने आगे बढ़कर सना की तरफ हैंडशेक के लिए हाथ बढ़ाया। नाइस टू मीट यू। और वो आपसे आर्ग्यू करके, बिलीव मी, मुझे अच्छा नहीं लगा। सॉरी फॉर दैट। ओह, आई एम सॉरी टू। मैं भी पता नहीं क्या क्या बोल गई, पेरेंटिंग एंड ऑल। वैसे पेरेंटिंग आपकी परफेक्ट है। चाचू, मैं टीजे बुला रही, चलो ना। हाँ हाँ, लेट्स गो। बाय हार्दिक। बाय हार्दिक की मासी। बाय मायरा के चाचू। सना के चाचू कहने से पहले ही नील वहां से जा चुका था। उसने भी जल्दी से हार्दिक का हाथ थामा और पीटीएम हॉल की तरफ भागी। हॉल की तरफ चलते हुए सना के दिमाग में अभी भी नील की बातें घूम रही थी। उसकी आंखें भीड़ में बार बार नील को ढूंढ रही थी, लेकिन वो उसको कहीं नजर नहीं आया। और पीटीएम के खत्म होते होते सना को नील और मायरा दोबारा दिखे ही नहीं। सच अ वियर्डो, पहले इतनी लड़ाई की, नेल ठीक किया, और फिर बिना मिले ही चला गया, उसका नाम भी नहीं मालूम पड़ा। इतने में सना का फोन बजा। हाँ दीदी, पीटीएम डन, बस यहाँ से निकल ही रही हूँ। अच्छा ठीक है, जल्दी आती हूँ। चल हार्दिक, लेट्स गो। अच्छा लिसन, वो लड़की जो तुम्हें गिटार नहीं दे रही थी, मायरा, राइट? वो कौन सी क्लास में है? डू यू नो हर? नो माची, आई डोंट। ये सुनकर सना डिसअपॉइंट हो गई। जब मायरा की क्लास ही नहीं मालूम थी तो उसके चाचू के बारे में वो कैसे मालूम करती? लेकिन अगले ही पल सना को एक आइडिया आया और वो स्माइल करने लगी। अगले कुछ दिनों के लिए सना ने हार्दिक को स्कूल छोड़ने और लेने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली। वो होप कर रही थी कि शायद नील भी मायरा को ड्रॉप या पिकअप करते करते दिख जाए। और एक दिन उसकी मेहनत रंग ले आई। एक सुबह जब वो हार्दिक को स्कूल छोड़ के निकली, उसने दूर कुछ लोगों की भीड़ में नील को देखा। वो स्कूल गेट के बाहर खड़ा किसी से बात कर रहा था। सना उसे देख के इतनी खुश हो गई कि तेजी से उसकी ओर भागी। बातें करके जब नील पलटा तो उसने सना को अपनी ओर आते देखा। इट्स यू, वेयर हैव यू बीन? मैं इतने दिनों से तुम्हें। नील सना की तरफ कुछ ऐसे बढ़ा जैसे उसको गले ही लगा लेगा, लेकिन फिर रुक गया। इतने दिनों से मुझे ढूंढ रहे थे, क्यों? वो तुम्हारा नाखून कैसा है जानना था। ये कहते हुए नील ने सना का हाथ एक बार फिर पकड़ लिया। वो उसके नाखून को देख रहा था और सना उसे नील का टच अच्छा लग रहा था। एक ऐसी स्वीट फीलिंग थी जिसको वो समझ ही नहीं पा रही थी। ये तो ठीक है, नील ग्रो भी कर गया। नाउ बी केयरफुल, डोंट ब्रेक इट अगेन। तुम अगर ऐसे ही हाथ पकड़ के खड़े रहे तो टूटेगा कैसे? ओह सॉरी। तो चले कहाँ? कॉफी? नॉट अ बैड आइडिया, लेकिन सुबह के 7 बजे कौन सा कैफे खुला होगा? ओ हाँ, तो फिर एक जगह और है, बिरयानी, सुबह सुबह। ऑफ कोर्स, व्हाट्स बेटर वे टू स्टार्ट द डे विद अ डिलीशियस बिरयानी? ये है लखनऊ की वो इकलौती दुकान जहाँ पे बिरयानी रात 12 बजे से सुबह 9 बजे तक मिलती है, मजनू की बिरयानी। मजनू की बिरयानी? हाउ चीज़ी। अरे इट्स लिटरली मजनू की बिरयानी। मजनू को दो ही चीजों से तो प्यार था, लैला और शाही बिरयानी। लैला का तो यू नो व्हाट हैपेंड, लेकिन बिरयानी की लेगेसी अब तक चली आ रही है। मजनू की स्पेशल रेसिपी है। रियली नाउ? सना दुकान को ऊपर से नीचे तक देख रही थी। एक छोटी सी जगह में 2-4 टेबल और चेयर लगे हुए थे। एक बड़े से पतीले में से गरम गरम बिरयानी के निकलते धुएं से उसकी खुशबू हवा में फैली हुई थी। नील और सना अंदर जाकर बैठे। अब पुराने जमाने में सिर्फ राजा लोग ही बिरयानी अफोर्ड कर पाते थे, बट मजनू ने रेसिपी क्रैक कर ली थी ताकि ये रॉयल डिश हम सबको मिल सके। तो सुबह सुबह वी आर हैविंग द मोस्ट ऑथेंटिक रॉयल फूड। वाह क्या बात है, अटर रबिश। अरे बट डोंट इवन ट्राई टू एक्सप्लेन, लेकिन नो डाउट बिरयानी की खुशबू स्मेल्स अमेजिंग, ट्राई तो करना ही पड़ेगा। वैसे मैं तुम्हारे नेल्स का हालचाल जानने के लिए ढूंढ रहा था, तुम भी मुझे ढूंढ रही थी क्या? नहीं, आई मीन हाँ, वो तुम हार्दिक को गिटार सिखा रहे थे ना, तो सोचा तुमसे पूछूं कि उसे गिटार लेसन्स दोगे क्या? हार्दिक को गिटार सीखना है या तुम्हें? मैं भी सीख लूंगी। फीस लगेगी क्या? 1 कॉफी एवरी डे।
अच्छा, पहले डेट पे तो कॉफी पिलाई नहीं और गिटार लेसन्स के लिए हर रोज कॉफी। ये डेट है? नो, आई मीन दो प्लेट बिरयानी। वेटर के आ जाने से सना तो चुप हो गई थी, लेकिन नील अभी भी उसे देख रहा था। फिर उसने प्लेट की तरफ देखा। चलो लेट्स डिग इन, खा के बताओ कैसी है। इट्स सो टेस्टी, मैंने इतनी टेस्टी बिरयानी लाइफ में नहीं खाई है। गुड चॉइस। थैंक्स। सो ये डेट है राइट? तुम्हें क्या लगता है? अगर तुमने कहा ये डेट है, देन इट्स अ डेट। मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। जो भी मतलब था बहुत अच्छा था। One minute. ये कॉफी का आइडिया सडनली कैसे आया? तुम मुझे डेट पर ही तो लाए हो ना? आई होप यू आर नॉट वन ऑफ दोज डेटिंग ऐप टाइप्स जो सुबह सुबह जॉगिंग पे जाना डेट समझते हैं। इनफैक्ट मैं तो डेटिंग ऐप वाला इंसान हुई नहीं। एक दो बार उनका 3 days 5 nights का वर्चुअल चैटिंग प्रोग्राम ट्राई किया था, लेकिन कुछ जमा नहीं। 3-4 pictures, ढेर सारी क्विज शो और हो गई डेटिंग। फिर कुछ नया ट्राई करो। तो तुम्हें क्या ट्राई करना है? नील खाते खाते रुक गया और सना को देखने लगा। सना ने भी खाते खाते चम्मच एक तरफ रखा और हाथ से खाने लगी। उसकी भी नजर नील पर ही थी। चुप क्यों हो गए? कोई लंबी लिस्ट है क्या? उप्स। क्या हुआ? फिर से नाखून? हाथ दिखाओ इधर। नहीं नहीं कुछ नहीं, मोस्टली हाथ से खाते हुए नेल्स टूट ही जाते हैं मेरे। नाउ नो प्लीज, नेल कटर मत निकालना। लेट्स डू दिस। क्या? नील सना का हाथ थामे उसके सामने बैठा था। असली डेट बोलो, चलोगे मेरे साथ? सना उसे देखती रही और मुस्कुरा उठी। नॉट सुबह सुबह। हाँ प्रॉपर डेट, शाम को मुझे एक जगह। ओह एक मिनट, हाँ आई जस्ट टेक दिस कॉल। हेलो, यस स्पीकिंग। ओह यस यस, प्लीज टेल मी। ओके हाँ। ओह वाओ रियली, थैंक्स, थैंक्स सो मच। हाँ मैं पहुंच जाऊंगी। थैंक्स अ टन अगेन। ओके बाय। नील नैपकिन से हाथ पोंछते हुए सना की ओर देख रहा था। आई कांट बिलीव इट, मुझे मेरी ड्रीम जॉब मिल गई। रियली कांग्रेचुलेशंस। थैंक्स, आई हैव टू लीव नाउ। ओके, बहुत तैयारियां करनी है, आज ही दिल्ली निकलना होगा, मॉम डैड को भी बताना होगा। हो गई छुट्टी पूरी। दिल्ली? तुम दिल्ली से हो? ओह या, ये तो मैं बताना ही भूल गई, मैं दिल्ली में रहती हूँ, दीदी से मिलने यहाँ आई थी। ओह ओके, तो अब डेट? हाँ परसों की ज्वाइनिंग डेट है ना। नील चुप था। सना को एहसास हुआ कि वो कौन सी डेट के बारे में पूछ रहा था। दोनों खामोशी से एक दूसरे को देख रहे थे।